सलामकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो गाइज वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो एंड आज की वीडियो है मौलाना सैयद अली रजा रिजवी जी की। हमने इनकी शायद एक आधी वीडियो देखी होगी या नहीं देखी है, पहले ये नहीं पता है। तो फिलहाल आज की वीडियो भी यही होने वाली है, जंग उहद के ऊपर आज की वीडियो होने वाली है, जिसमें खालिद बिन वलीद भी आए थे दूसरी तरफ से, काफिरों की तरफ से लड़ाई करने के लिए। तो देखते हैं भाई इसमें ये क्या बयान करते हैं सैयद अली रजा रिजवी जी, उनका बयान कैसा होता है। सो फिलहाल वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप चाहते हो हम इनके और ज़्यादा वीडियोज़ बनाएं तो जरूर कमेंट करके बताना। फिलहाल वीडियो को भाई लास्ट तक देखते हैं हम। तो खैबर आप सुन चुके, खंदक सुन चुके, आज ओहद पढ़ाऊं, ओहद सुनाऊं, चलिएगा चलिएगा चलेंगे। तो जाने ग्रामी, ओहद बड़ी अजीबोगरीब जंग है। तो पैगंबर ने कहा जिस जिसका मैं मौला हूं, ओहद का मैदान सजने वाला है, ओहद का मदीने से बाहर, बदर का बदला लेने कोई औरत आ रही है, शोहर का नाम है अबू सुफियान, बेटा मुआविया, पोता यजीद, भाई वलीद, बाप उतबा, भाई शेबा, पता नहीं लोग हैं या नहीं है, मैंने सारा शजरा पढ़ दिया उसका। तो अब वो नाम हिंदा था, आई का मैं बदला जरूर लूंगी, क्योंकि बदर में जनाबे अमीर अलैहि सलाम ने मार दिया था उसके बाप को, भाई को, बेटे को। एक जुमला रोक के यहाँ पेश कर रहा हूँ, खुदा की कसम जब ये पढ़ता हूँ तो मैं यहाँ नहीं होता, नजफ में होता हूँ। अब जुमले को सुनिएगा, बड़े आराम से पढ़ूंगा, मेरे सीने में दम नहीं, गले में दम नहीं है। तो मौलाए कायनात ने खत लिखा था शाम वाले को और कहा कि खबरदार मेरे मुकाबले में खुद ही आ जा। उसने खत लिखा था, याली बैठ के फैसला कर लेते हैं, लड़ने की क्या जरूरत है, हमारे खानदान मिलते जुलते हैं। तो मौला ने लिखा, वो तलवार जो मैंने बदर उहद में चलाई थी वो आज भी मेरे पास है, ना अली बूढ़ा हुआ है, ना जुल्फकार कुंद हुई है, मेरे बाजू में आज भी वही ताकत है जो बदर में थी, जिस तलवार से मैंने तेरे भाई मामू और नाना का सर उतारा था, वो तलवार आज भी मेरे पास है। शेर बूढ़ा भी हो जाए तो शेर शेर होता। बोलने का तरीका बुरा। आप सब सलामत रहें, मैं आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूं, चलिएगा कुछ देर के में। तो अब वो बहुत तैयारी करके आ रही थी और जो अब मेंबर है बहुत सी बातें पढ़ नहीं सकता, तो उसका जो मुर्रखीन ने गाना लिखा कि नहनो बना तो तारिक नमशी अलन नमारिक, तर्जुमा नहीं कर सकता, हम किन की बेटियां हैं क्यों आई हैं, ये मेंबर लायक नहीं है, लेकिन पूरा लिखा कि तबल था सब कुछ था, वो खुद आई मजमे के साथ का बदला लेना, पर एक गुलाम लाए जिसका नाम था वहशी, उससे कहा मोहम्मद को मार दो, का नहीं मार सकता, का उनके चारों तरफ लोग होते हैं, का फिर अली को मार दे, का अली की नजर चारों तरफ होती है। क्या बात, का फिर अब और कुछ नहीं सुनूंगी, हमजा हमजा को मार दे, का मारूंगा लेकिन एक शर्त पे, पुश्त से, क्योंकि हजरत हमजा का भी क्या नाम था, शेर का शिकार करने वाला शेर, मक्के में उन्हें कहते थे शेर, हमजा के माना शेर, का मैं सामने से नहीं मारूंगा तो पुश्त से मारूंगा, का ठीक है तू बस हमजा को मार दे और कुछ नहीं सुनूंगी, बस भाई मुझे पेश करना है। तो वहां पूरा मैदान सजा, पैगंबर इस्लाम ने सबको बता दिया सालार अली है, अली की ना फरमानी ना करना। और आपने मुख्तलिफ जगहों पे, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, जो लोग गए हैं हज पे वो गए होंगे मैदान उहद में, मुझे कई मरतबा इतफाक हुआ, मैदान उहद अजीब व गरीब मैदान है, उहद का पहाड़ अभी भी है और अभी भी आप देखेंगे तो वो खुला हुआ पहाड़ खुला हुआ है, कि जहां मौलाए कायनात ने पैगंबर को एक मरतबा बचाने के लिए दुश्मनों से खड़ा किया था, और चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं,
और पहाड़ों पे दौड़ना बड़ा मुश्किल होता, बड़ी प्रैक्टिस चाहिए भागने के लिए। आम जूते काम नहीं आते, नहीं चलिएगा। तो भाई जाने ग्रामी बड़ा मुश्किल है, ओहद पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। तो पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में ओहद का मैदान। पैगंबर सलाम ने तीरंदाजों से कहा 50 तीरंदाज इस पहाड़ी पे खड़े रहें, यहां से ना हिले। सबको बता दिया कौन कहां रहेगा, और जनाबे मौला कायनात से कहा कि आप सामने खड़े रहेंगे। मौला ने कहा मुझसे बच के कोई नहीं आएगा। किसी ने पूछा था मौला कायनात से, क्या मौला मैदान जंग में आपको जहां छोड़ के जाएंगे फिर कहां पाएंगे? आपने फरमाया जहां छोड़ के जाओगे वहीं पाओगे। कहा या अली कैसे? कहा क्योंकि ना मैं दुश्मन के पीछे जाता हूं ना दुश्मन से पीछे जाता हूं। कहा या अली फिर इतने लोगों को मारते कैसे? कहा जिसकी मौत आती है खुद ही आ जाता है, मैं जुल्फकार का सदका उतार देता हूं। पता नहीं पढ़ू ना पढ़ू। तो मौला ने कहा जुल्फकार मेरे पास है। कहां जुल्फकार आई थी? वही पेश कर रहा हूं, ओहद के मैदान में। ओहद में जुल्फकार आई थी। भाई आवाज तंग तो नहीं कर रही? सारा मैदान मेरे साथ है। भाई आपने जबरदस्ती कहा है, मैं पढ़ रहा हूं, मेरे सीने में दम नहीं है। तो जाने गिरामी मौला कायनात एक मरतबा मैदान में डटे मुकाबला करने लगे, और सबने लिखा है कि खालिद बिन वलीद उस वक्त काफिर थे, हमला किया और सामने से हमला किया। मौला ने जब हमला किया तो एक मरतबा लश्कर भागने लगा। वो सैफुल्ला थे, अली असदुल्ला थे, मजमा है या नहीं है? तो मौला ने एक मरतबा हमला किया, सबने कहा फिर्रू फिर्रू, अरबी का लफ्ज है फिर्रू, फरार से भागो। सब भागने लगे। किसी ने कहा पहाड़ के दूसरी तरफ से आ जाओ। 50 तीरंदाज जाने लगे कि ये लूट रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिलेगा। एक ने कहा रुक जाओ, पैगंबर ने कहा था अपनी जगह से मत हिलना। कहा नहीं, इन्हें सब माले गनीमत मिलेगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम भी जाएंगे। जनाबे हमजा ने कहा जो जहां है वहीं रहे, लेकिन लोगों ने नहीं सुना, नीचे उतरने लगे। वहां से मुशरकीन और कुफार का लश्कर पीछे से आया, सामने से भी, दोनों तरफ से मुसलमान घिरे। घमसान करन पड़ा, हमारे में से भी किसी ने नारा लगाया फिर्रू, नाम बताना बड़ा मुश्किल है, भागो। वहां से वो भाग रहे थे, यहां से बस भाई एक मरतबा भागना था। जब सब भागने लगे तो जनाबे मौला कायनात खड़े हो गए। किसी ने मौला से बाद में पूछा या अली जब सब भागे तो आप क्यों नहीं भागे? आपने कहा पहले भागने वालों से पूछो वो भागे क्यों थे। कहा किसी शैतान ने मर्दूद ने नारा लगा दिया था माता मोहम्मद, मोहम्मद मारे गए। जब हमने सुना कि मोहम्मद मारे गए तो हमने सोचा अब लड़ने का फायदा ही नहीं। कहा या अली वो कहते हैं हम इसलिए भागे क्योंकि पैगंबर के मारे जाने की खबर उड़ा दी गई थी, तो वो सब कह रहे थे अब लड़ने का फायदा नहीं, अब आप बताइए आप क्यों नहीं भागे। कहा मैंने भी यही सुना माता मोहम्मद मोहम्मद मारे गए, मैंने सोचा अब जीने का फायदा नहीं। कैसी डिफेंसिंग की है ना, अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे ताज्जुब है भागने वालों पे, उन्होंने कितनी कितनी जिंदगी बढ़वा ली भाग के। भागने से जिंदगी बढ़ नहीं जाती, जहां लिखी है वहीं मौत आएगी। अजान ग्रामी एक मरतबा सारा मैदान खाली, कुछ शहीद हो गए कुछ भाग गए। जनाबे अमीर ने देखा पैगंबर उहद के पहाड़ पे खड़े हैं, जनाबे मौला मुश्किल कुशा पहाड़ पे चढ़े, दोनों हाथों पे पैगंबर को उठाया और चीख चीख के फरमाया हाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह, हाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह, तीन मरतबा का हाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल मोहम्मद ये रहे। पैगंबर को याद रहा, अली ने कहा था हाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो आपने फरमाया मन कुंतु मौला फहाजा। ओहद का बदला गदीर में दिया।
आदाने ग्रामी जनाबे मौलाए कायनात ने हाथों पे बुलंद किया। फिर उसके बाद एक मकाम पे जनाबे मौला मुश्किल कुशा ने उहद के मैदान में जहाँ पे आज खुला हुआ जिंदा मौजज़ा रसूल खुदा का, अल्लाह ने पैगंबर की जान बचाने के लिए एक मरतबा पहाड़ को खोल दिया। मौला ने पैगंबर को वहाँ खड़ा किया, मुकाबला किया। सारे लश्कर के मुकाबले में मौला अली अकेले थे। तलवार होती है लोहे की, एक तलवार से मौला लश्कर को रोकते थे। सबकी तलवारें पड़ी, तलवार टूटी मौला अली की। तलवार में दम नहीं था, बाजू में था। सारे लश्कर में दम नहीं था, टूटी हुई तलवार वाले से लड़ ले नहीं है मजमा। मौला ने आवाजी, या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई। पैगंबर ने खजूर के दरख्त की टहनी तोड़ी, का या अली मुकाबला कीजिए। मौला ने नहीं कहा वो लोहे की तलवारें, ये दरख्त की टहनी। मौला ने टहनी उठाई, टूटी। मौला ने कहा ये भी टूट गई, दोबारा फेंकी। जब तीसरी मर्तबा टहनी दी, अल्लाह ने कहा जिब्राइल ज़ुल्फ़िकार ले। जनाबे जिब्राइल चले कसीदा पढ़ते हुए, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। अल्लामा इकबाल ने फरमाया शाह मर्दा शेर यज़्ज़ा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। ऐजाने गिरामी मौला कायनात ने तलवार खींची, मुकाबला किया। एक मरतबा हिंदा ने कहा अबू सुफियान सबसे कहो चलें, अली अकेले सब पे भारी है। ऐजाने गिरामी जो पेश कर रहा हूँ कि मौला कायनात उस हालत में भी सरवर कायनात का दिफा कर रहे हैं कि जब तन्हा है और वहाँ लश्कर है। लोगों ने लिखा 1000 का लश्कर और मौलाए कायनात तन्हा लड़ रहे थे। एक जुमला पेश करना चाहता हूँ, शायद सोच रहा हूँ पेश करूँ ना करूँ। मुझे जानवरों के मुतालिक तहकीक करने का बहुत शौक़ है। टीवी पे प्रोग्राम आता है तो देखता हूँ। तो एक दिखा रहे थे कि शेर का शिकार करने वाला अंग्रेज़ था, तो उसके साथ कैमरा क्रू गया, उसने एक शेर को गोली मारी, शेर गिर गया। तो उन्होंने कहा जाओ आगे, कर नहीं तुम्हें नहीं पता ये शेर है। सुनिएगा, कुछ लोग पहुंच गए। वो शिकारी थे, उसने कहा मैंने 60-70 से ज्यादा शेर मारे हैं। तो कहा भाई तुम इतने शेर मार चुके आगे बढ़ो। कर नहीं गोली लगी है, क्या पता जख्मी हो। कर नहीं हिल नहीं रहा, सांस नहीं ले रहा। कर तुम समझ रहे हो सांस नहीं ले रहा, मैंने इतने शेर मारे हैं मुझे पता है जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होता। मैंने बहुत सोचा जंगल का शेर इतना रोब, वो जो अल्लाह का शेर। क्या बात है, क्या बात है। सो गाइस ये थी वीडियो, बहुत ही कमाल का वाक्य था। फर्स्ट टाइम सुना ने, मतलब एनर्जेटिक सा बयान था सैयद अली रजा रिजवी जी का, बहुत ही कमाल का। एंड गाइस अगर आप चाहते हो हम इनके और ज़्यादा बयान सुने और ज़्यादा वीडियोस देखें तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताना। और इनकी एक वीडियो दिखती है भाई, बहुत बार हमें सजेस्ट हुई है वो वीडियो जंगे खैबर की, और काफ़ी अच्छी खासी रीच पे उस वीडियो पे बहुत लोगों ने देखी भी है, बट उस पर हमने रिएक्शन नहीं करा। एंड अगर आप चाहते हो हम करें उस पर रिएक्शन जंगे खैबर की इनकी वीडियो पे, तो ज़रूर कमेंट करके बताना। बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही कमाल की वीडियोज़ होती है इनमें। और सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को वो लगी थी जब वहाँ पर सारे मैदान छोड़ के भाग रहे थे, तो हज़रत अली ने सबसे पूछा कि क्यों भाग रहे हो। तो वो कह रहे हैं कि हमें सुनने में आता है प्रोफेट मोहम्मद साहब नहीं रहे हैं, तो अब लड़ाई करने का क्या फ़ायदा। पर किसी ने हज़रत अली को पूछी ये बात, वो कह रहे हैं प्रोफेट मोहम्मद साहब नहीं रहे, मैंने ये बात सुनी कि प्रोफेट मोहम्मद साहब नहीं रहे हैं तो अब जीने का क्या फ़ायदा, अब तो मर ही जाओ भाई। तो मतलब एक डिफरेंट थिंकिंग और एक डिफरेंट प्यार भाई है ना उनके लिए। सो बाकी ये थी वीडियो, होप तो आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।